आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं की ओर से स्वागत। मैंने कहा भाई लोग नहीं रहेंगे, आज महिलाएं थोड़ा प्रयागराज में बात के महामंत्री हम सबके बीच ज्योति गुप्ता जी उपस्थित है। ज्योति जी मंच पे आके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस लोगों के अंदर एक चाहत है, एक हो रहा है। सभी जगह लोग जब कार्यक्रम मांग रहे थे, अभी आप जो चौथी कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे। आग कहते हैं जली को, आग कहते हैं बुझी को, राख कहते हैं, और जो हवाओं का दिशा है उसे वैश्य समाज कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तमाम जनपदों के अंदर के दौरा करके आ रहा हूँ। के कारण माननीय मंत्री जी सभी जगह बैठे नहीं, केवल जाए मिल करके और यहाँ आगे तब इतना लेट हो गया। वाराणसी में और पूरे उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के लिए एक बड़ी अहमियत है हमारी औद्योगिक और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 कैबिनेट में पास हुई है, जिससे तमाम व्यापारीगण को, इंडस्ट्री लगाने वाले को, इन्वेस्ट करने वाले को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों को अपनी नीति में जहाँ जहाँ जटिलताएँ हैं उसको कैसे सरल किया जाए और कैसे इंडस्ट्री लगाने वाले को, व्यापार करने वाले को सहूलियतें प्रदान की जाए, एक बहुत ही अच्छी और सभी स्टेक होल्डर से चाहे जिस तरह की इंडस्ट्री लोग लगाते हैं, सभी स्टेक होल्डर के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद हम ये नीति लाए हैं और जिसकी पूरी देश दुनिया में प्रशंसा हो रही है। 2023 फरवरी में 2023 में 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को लेकर के, इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य को लेकर के हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश था, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश का एक एक व्यापारी, इंडस्ट्रीज खुशहाल रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इधर अतर पर दिखाई दे। आज महिला बहनों ने, और मैं प्रयागराज से चला हूँ तो रास्ते भर बाजार 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 व्यापारियों ने स्वागत किया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट। सीटें बढ़ पाएंगी निकाय चुनाव में भी, हम 100% सीटें जीतेंगे। जितने हमारे नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी रात दिन 24 घंटे काम करते हैं। हम किसी चुनाव को लेकर के काम नहीं करते, हम चुनाव जीते, चुनाव जीतने के तुरंत बाद वैसे ही काम करते हैं जैसे चुनाव जीतने के पहले कर रहे थे, चुनाव लड़ने के समय कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता बूथ पर, सेक्टर पर, गांव में, गली में, मोहल्ले में, चाहे कोविड रहा हो, अपनी जान की बाजी लगा करके भी हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज की सेवा करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सभी जाति धर्म मजहब के लोग हमारे साथ हैं और हम कोविड की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने, हमने और पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया ने लोहा माना है। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ हमने सुना था कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर मुल्क है, हमने पढ़ा और देखा, सुना कि ब्रिटेन का अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता और कोविड में इन सभी देशों ने घुटने टेक दिए, लड़खड़ा गए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
उनके कुशल मार्गदर्शन में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई और स्वदेशी टीका बना करके हमने अपने लोगों को तो लगाया, विदेश में भी भेजने का काम किया। तो निश्चित रूप से जब नेतृत्व ईमानदार हो, नेतृत्व शक्तिशाली हो, तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी चीज लड़ी। आम आदमी पार्टी जो है डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।